श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोग। संजय उवाच तं तथा कृपया विष्टमश्रुपूर्णाकुलक्षणम् विसिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय कहिले सेपरि करुणाविष्ट ओ अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्र शोकाकुल अर्जुनंकु भगवान मधुसूदन एही कथा कहिले। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मणमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्ज्य जुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान कहिले हे अर्जुन तुमको एही असमय रे एही मोह केउठु आसीगला कारण एहा श्रेष्ठ पुरुषमानंक द्वारा आचरित नुहे किंबा स्वर्ग प्रदायक कि कीर्ति प्रदायक मध्य नुहे। क्लैव्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्योजु प्रपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्योतिष्ठ परन्तप। तेणु हे अर्जुन नपुंसकता प्राप्त हो नाही तुम पक्षरे एहा उचित नुहे। हे शत्रुतापन हृदयर तुच्छ दुर्बलता त्याग करी युद्ध करबाकु ठिया होई जाओ। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहंसांखे द्रोणं च मधुसूदन इसुभिः प्रतिजोष्यामि पूजार्हावरि सूदन। अर्जुन कहिले हे मधुसूदन रणभूमिरे भीष्म पितामह ओ द्रोणाचार्यंक विरुद्धरे मु किपरि बाण मारि लढ़िबि कारण हे हरिसूदन से दुहे मोर पूजनीय। गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्यमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। तेणु एहि महानुभव गुरुजन मानंकु मारिबा अपेक्षा मु एहि लोकरे भिक्षान्न द्वारा जीविका निर्वाह करिबा कल्याणकर बोली मने करुछि कारण गुरुजन मानंकु मारिले एहि लोकरे सेमानंक रक्त सिक्त अर्थ ओ काम रूपक भोग सामग्री ही तो भोग करिबे। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो जद्बाजयेम जदीवानो जयेयुः जाने बहत्वान जिजिबि साम स्तेवस्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः। आमर युद्ध करिबा ओ न करिबा ए दुई मध्यरु केउंटी श्रेष्ठ आमे ताहा जानिनाहुँ। आमे सेमानंकु जितिबु कि सेमाने आमको जितिबे ताहा मध्य जानिनाहुँ। जेउमानंकु मारि आमे बंचिबाकु इच्छा मध्य करुनाहुँ। आमर सेही आत्मीय धृतराष्ट्रंक पुत्र माने ही आम सम्मुखरे युद्ध करिबाकु ठिया हेइछन्ति। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः जत्श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हंसाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तेणु का पुरुषता रूपक दोष हेतु नष्ट स्वभावयुक्त तथा धर्म विषय रे मोहित चित्त होइथिबा मु आपणंकु पचारुछि मो पक्षरे कौन करिबा निश्चित कल्याणकर ताहा मोते कुहंतु कारण मु आपणंकर शिष्य मो परि शरणागतकु आपण उपदेश दियंतु। नहि प्रपश्यामि ममानुपद्याद् जच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपन्नमृद्धं
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। कारण इह लोकरे निष्कंटक धनधान्य संपन्न राज्य एवं देवता मानंकर आधिपत्य पाइगले मध्य मु मोर इंद्रिय मानंकु शुष्क करि देउतिबा शोक को दूर करि पारिबा परि कौनसी उपाय देखि पारु नाही। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेशः परन्तप न जस्य इति गोविन्द मुक्त्वां तुष्णी बभूवः। संजय धृतराष्ट्रंकु कहिले हे राजन निद्राजयी अर्जुन अंतर्जामी भगवान श्रीकृष्णंकु एपरि कहिले एवं श्री गोविंद भगवानंकु मु युद्ध करिबे नाही बोली स्पष्ट भावरे कहिदेई चुप होइगले। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसिदन्तमिदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्ज्यामी श्रीकृष्ण परमात्मा दुई सेनांक मध्यरे शोक करुथिबा सेही अर्जुन को स्मितहास्य करी कहिले श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान कहिले हे अर्जुन जहांको पाई शोक करिबा उचित नुहे सेमानंको पाई शोक करुछ एवं पंडितंक परि कथा कहुछ किंतु जहांकर प्राण चली जाइछि सेमानंको पाई एवं जहांकर प्राण जाई नाही सेमानंको पाई मध्य पंडित माने शोक करंते नाही। न त्वेवाहं जतु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। एपरि नुहे जे कौनसी कालरे मु नथिले कि तुमे नथिल अथवा एही राजा माने नथिले पुणे एपरि मध्य घटिब नाही जे भविष्यतरे आमे समस्ते रहिबा नाही। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र नमुह्यति। जेपरि ए देहरे जीवात्मार बाल्यावस्था यौवनावस्था और वृद्धावस्था होइथाए सेहिपरि अन्य शरीर मध्य प्राप्त हुए सेही विषयरे धीर पुरुष मोहग्रस्त हुवन्ति नाही। मात्रस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिख्य स्वभारत। कारण हे कुन्तीपुत्र शीत उष्ण ओ सुख दुःख देउथिबा इन्द्रिय ओ विषय मानंकर संजोगत उत्पत्ति विनाशशील ओ अनित्य तेणु हे भारत तुम्हें सेगुड़िक सही जाओ। जंहीन व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। कारण हे पुरुष श्रेष्ठ सुख दुःख को समान दृष्टि रे देखुथिबा जेऊ धीर पुरुषंकु एहि इंद्रिय ओ विषयर संजोग व्याकुल करि पारे नाही से ही मुख्य पाई योग्य हुंती। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दुष्ट्वन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत् वस्तुर अस्तित्व नाही एवं सत् वस्तुर अभाव नाही। एपरि भावरे उक्त दुईटी जाकर तत्त्व
तत्वज्ञानी पुरुष मानंक द्वारा देखा जाइछि। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। एहि न्यायरे जहांक द्वारा एहि संपूर्ण जगत व्याप्त होइछि ताहांकु अविनाशी बोली जानो। सही अविनाशी को विनाश करबाकु केहि हेले समर्थ नुहे। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनासीनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। नाशरहित अप्रमेय और नित्य स्वरूप जीवात्मार एही शरीर गुड़िक नाशवान बोली कुहा जायछि। तेणु हे भरतवंशी अर्जुन तुम्हें युद्ध कर। जैनं वेत्ति हन्तारं जश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जे एही आत्मा हत्या करे बोली बुझन्ति तथा जे एहा निहत हुए बोली स्वीकार करन्ति से उभय आत्मा विषयरे किछि जानन्ति नाही। कारण एही आत्मा वास्तवरे कहारी को हत्या करे नहीं कि कहारी द्वारा निहत हुए नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यही आत्मा कौनसी कालरे भी जन्म हुए नहीं कि मरे नाही तथा एहा उत्पन्न हेबा परे जे हुए सेपरि नुहे। कारण एहा हेउछि अजन्मा नित्य सनातन ओ पुरातन। शरीर को बद्ध करिदेले मध्य एहा निहत हुए नाही। वेदा विनाशिनं नित्यं जये नाम जमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। हे पृथापुत्र अर्जुन जेउ पुरुष एही आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा ओ अव्यय बोली जानन्ति सेही पुरुष किपरि बध करिबे बा बध कराइबे। बासांसि जिर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संजाति नवानि देहि। मनुष्य जेपरि पुरुणा वस्त्रमान त्याग करे अन्य नूतन वस्त्र ग्रहण करे जीवात्मा सेहिपरि पुरातन शरीरमान त्याग करे अन्य नूतन शरीरमान प्राप्त हुई थाए। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। एही आत्मा को कौनसी शस्त्र भी काटि पारे नहीं। अग्नि एहाकु जलाई पारे नहीं। जल एहाकु भिजाई पारे नहीं। एवं वायु एहाकु सुखाई पारे नहीं। अच्छेद्योय मदाह्योय मक्लेद्योस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर चडोयं सनातनः। कारण एही आत्मा अच्छेद्य अदाह्य अक्लेद्य उन्निस्संदेह अस्वस्य तथा एहा हेउछे नित्य सर्वगत स्थिर अचल ओ सनातन। अव्यक्तोयमचिन्त्योयमविकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। एही आत्मा अव्यक्त एहा अचिन्त्य एवं एहाकु विकार रहित कुहाजाए। तेणु हे अर्जुन एही आत्मा एपरि बोली जानी
तुम्हें शोक करिबा उचित नुहे। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। पक्षांतरे जदि तुमे एही आत्मा को नित्य जन्म नेउछि एवं नित्य मरुछि बोली स्वीकार करुथाओ तथापि हे महाबाहु तुमे एपरि शोक करिबा उचित नुहे। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्दुर्वं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कारण एही मान्यता अनुसारे जन्म होइथिबा लोकर मृत्यु निश्चित ओ मरिथिबा लोकर जन्म निश्चित। एही हेतु मध्य जहाँ अनिवार्य से विषय रे तुमे शोक करिबा उचित नुहे। अव्यक्तादिनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन समस्त प्राणी जन्म हेबा पूर्वरु अप्रकट होई रही थांति ओ मृत्यु परे मध्य अप्रकट होई जांति। से माने केवल एही मध्यवर्ती कालरे ही प्रकट हुंति। एही स्थिति रे शोक करिबा कौन। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापेनं वेदना चैव कश्चित्। कौनसी जणे महापुरुष ही एही आत्मा को आश्चर्य परि देखंती एवं सही परि अन्य केही महापुरुष एहार तत्व को आश्चर्य परि वर्णना करंती तथा अन्य केही अधिकारी पुरुष एहा को आश्चर्य परि सुणंती एवं केही सुनी मध्य एहा को जानी परंती नहीं। देहि नित्यम बद्धोयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन एहि आत्मा समस्तंक शरीरे सर्वदा अबध्य तेणु सकल प्राणीक अर्थात कौनसी भी प्राणी पाई तुम्हें शोक करिबा उचित नुहे। स्वधर्मापि चावेक्ष्य नाभिकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। पुणि निजर धर्म दृष्टिरूपी तुम्हें भय करिबा उचित नुहे। कारण क्षत्रिय निमन्ते धर्म युद्ध ठारु बळि कल्याणकर कर्तव्य आउ किछि नाहि। जदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। हे पार्थ स्वतः प्राप्त होइथिबा एवं उन्मुक्त स्वर्गद्वार रूपक एही परि युद्ध भाग्यवान क्षत्रिय माने ही लाभ करन्ते। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु जदि तुमे एही धर्ममय युद्ध न करिब तेबे स्वधर्म ओ सुजस हराई पाप भागी हेब। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। तथा समस्ते दीर्घकाल स्थायी तुमर अपकीर्ति भी आलोचना करिबे एवं सम्माननीय पुरुषंक निमन्ते अपकीर्ति हेउछि मरणरु बळि दुःखदायक। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथः
जेसां चत्वं बहुमतो भूत्वा जास्यसि लाघवं। जेउ मानंक दृष्टि रे तुम्हें विशेष रूपे सम्मानित हो सारिछ से मानंक दृष्टि रे वर्तमान हीन होइजिबो। सही महारथी माने मने करिबे जे तुम्हें भयभीत हो युद्धरु ओहरी गल। अवाच्य वादंश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नो किम्। तुमर शत्रु माने तुम सामर्थ्य को निंदा करी करी तुमको बहु अकथ्य वचन मध्य कहिबे। ताठारु बड़ी दुखर विषय आउ कौन होई पारे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। तुमे युद्धरे निहत हेले स्वर्ग पाइब, नाही तो युद्धरे जयी हेले भूमंडलर राज्य भोग करिब। तेणु हे अर्जुन तुम्हें युद्ध करने को संकल्पबद्ध हो दंडायमान हो जाओ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। जय पराजय लाभ क्षति और सुख दुख को समान मने करी ताहा परे तुमे युद्ध करबा को प्रस्तुत हो जाओ। एही परि युद्ध कले तुमे पाप भागी हेबो नाही। एषा ते भीता संख्ये बुद्धिर्जोगे तुम्यां श्रुणु बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। हे पार्थ एही बुद्धि तुमको ज्ञान जोग दृष्टि रु कुहा गला। वर्तमान तुमे एहा कर्मयोग दृष्टि रु सुण। एही बुद्धि रे युक्त हेले तुमे कर्म बंधन को भल रूपे त्याग करि दे पारिबो, अर्थात कर्म बंधन रु सर्वथा मुक्त होइजिबो। नेहा भिक्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। एही कर्म जोगरे आरंभर अर्थात बीजर नाश हुए नहीं एवं विपरीत फल रूपक दोष मध्य एथिरे हुए नहीं, बरं एही कर्म जोग रूपक धर्मर सामान्य मात्र साधना भी जन्म मृत्यु रूपक विराट भयरु रक्षा करदिए। व्यवसायात्मिका बुद्धिरे केह गुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। हे अर्जुन एही कर्म जोगरे निश्चय आत्मिका बुद्धि गोटे मात्र हुए, किंतु अस्थिर विचार युक्त विवेकहीन सकाम मनुष्य मानंकर बुद्धि निश्चित भावरे बहु प्रकार ओ असंख्य हुए। जामिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तितिवादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्चर्य गतिं प्रति भोगैश्चर्य प्रसक्तानां तया परुत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन जेऊ माने भोगरे बुड़ी रहिछन्ते जेऊ माने कर्म फलर प्रशंसा करुथिबा वेद वाक्यरे प्रीति रखन्ते जेऊ मानंक बुद्धिरे स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु एवं जेऊ माने स्वर्गरु बळी अन्य कौनसी वस्तु नाही बोली कहन्ते सही अविवेकी माने भोग ऐश्वर्य प्राप्ति निमन्ते जन्म रूपक कर्म फल देउथिबा
କ୍ରିୟାବହୁଳ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପିତ ବାଣୀ କହନ୍ତି। ସେପରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ହରଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ, ସେହି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्व नित्य सत्त्वस्तो निर्जोगाख्येम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद माने एहि प्रकारे तीनि गुणर कार्य रूप समस्त भोग ओ सेसबुर साधन मानंकर प्रतिपादन करन्ते। तुमे सेसबु भोग ओ सेसबु साधनरे आसक्ति त्याग कर, हर्ष शोकादि द्वंद्वरु रहित हो जाओ, नित्य वस्तु परमात्मारे स्थित होई जोगक्षेम न चाहि स्वाधीन अंतकरण युक्त हो जाओ। जावानर्थ उपादाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सबु दिगरु परिपूर्ण जलाशय टिए पाइगले छोट जलाशयरे मनुष्यर जेतिकि प्रयोजन रहे, ब्रह्म ज्ञान लाभ करिथिबा ब्राह्मणंकर समस्त वेदरे सेतिकि प्रयोजन रहि जाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करिबारे ही तुमर अधिकार रहिछि, कर्मर फल उपरे तुमर कदापि अधिकार नाही, तेणु तुमे कर्म फलर कारण हुओ नाही तथा तुमर कर्म न करिबारे भी आसक्ति न हेउ। जोगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यः सिद्ध्योः समभूत्वा समत्वं जोग उच्यते। हे धनंजय, तुमे आसक्ति त्याग करी तथा सिद्धि असिद्धिरे समबुद्धि रखी जोगस्थ होई कर्तव्य कर्म कर, समत्व को ही जोग कहुए। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि जोगाद् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छा कृपणः फल हेतव। एहि समत्व रूपक बुद्धि जोग अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणीर अटे, तेणु हे धनंजय, तुमे समबुद्धिरे ही रक्षार उपाय खोज, अर्थात बुद्धि जोगर ही आश्रय ग्रहण कर, कारण फलर कारण हेउथिबा लोके अत्यंत दिन। बुद्धि जुक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् जोगाय जुज्यस्व जोगः कर्म सुकौशलम्। समबुद्धिजुक्त पुरुष पुण्य ओ पाप उभयंकु इह लोकरे त्याग करि दियन्ति, अर्थात सेथिरु मुक्त होइ जान्ति, तेणु तुमे समत्व रूपक जोगरे लागि जाओ। एहि समत्व रूपक जोग ही कर्मरे कुशलता अर्थात कर्म बंधनरु मुक्ति पाइबार उपाय। कर्मजं बुद्धिजुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कारण समबुद्धिरे युक्त ज्ञानी जनमाने कर्म द्वारा उत्पन्न हेउथिबा फल त्याग करि जन्म रूपक बंधनरु मुक्त होइ निर्विकार परम पद प्राप्त होइ जान्ति। जदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जेतेबेळे तुमर बुद्धि मोहरूपक पंकको संपूर्ण रूपे अतिक्रम करिछिबा, सेतेबेळे तुमर शुणिथिबा
ଏବଂ ଶୁଣିବାକୁ ଥିବା ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯିବ। श्रुति विप्रतिपन्नाते जदास्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। विभिन्न प्रकार कथा सुनी सुनी विचलित होई जाइथिबा तुमर बुद्धि जेतेबेले परमात्मांक ठारे अचल ओ स्थिर होई जीव सेतेबेले तुमे योग प्राप्त होई जीव अर्थात परमात्मा सहित तुमर नित्य संजोग होइजिबो। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम्। अर्जुन पचारिले हे केशव समाधि रे परमात्मा प्राप्त स्थिर बुद्धि पुरुषंक लक्षण कौन से ही स्थिर बुद्धि पुरुष किपरि कहंती किपरि बसंती किपरि चलंती। श्री भगवान उवाच प्रजहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। श्री भगवान कहिले हे अर्जुन जेतेबेले एही पुरुष मन मध्यरे थिबा समस्त कामना पूर्ण रूपे त्याग करि दियंती एवं आत्मा द्वारा आत्मारे ही संतुष्ट होई रुहंती सेतेबेले तांकु स्थित प्रज्ञ कहा जाए। दुखे स्वानुद्विग्न मनाः सुखे सुविगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मो निरुच्यते। दुख आसीगले भी जहाँ मनरे उद्वेग जात हुए नहीं सुख मिलीगले भी जे सर्वथा निस्पृह रहंती जहाँ राग भय क्रोध नष्ट होई जाइछि सेहिपरि मुनिंकु स्थिर बुद्धि कहा जाए। जह सर्वत्रानभिस्नेहस्ततत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जेऊं पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होई शुभ वस्तु पाइले प्रसन्न हुअंती नाही कि अशुभ वस्तु पाइले द्वेष करंती नाही तांकर बुद्धि स्थिर अटे। जदा संहरते चायं कुर्मंगानि वसर्वसः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एवं कईछ जेपरी निजर अंग प्रत्यंग गुड़िकु सबु दिगरु संकुचित करियाने एही पुरुष जेतेबेले ठीक सेहिपरी निज इंद्रिय मानंकु इंद्रिय ग्राह्य विषय मानंकरु सकल प्रकारे हटाई आणंती सेतेबेले तांकर बुद्धि स्थिर अटे बोली जानिबा उचित। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियमानंक द्वारा विषयमानंकु ग्रहण करुनथिबा पुरुषर केवल विषय मान निवृत्त हो जाते विषय भोग प्रति रही आसक्ति निवृत्त हुए नहीं किंतु परमात्मा को साक्षात्कार करिथिबारु एही स्थित प्रज्ञ पुरुषंकर आसक्ति भी निवृत्त हो जाए थाए। जततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन आसक्ति नाश होइनथिबारु मनुष्यर मन उपरे अत्यधिक प्रभाव पकाइबा पई सक्षम इंद्रिय माने जत्नशील बुद्धिमान पुरुषंकर मनकु मध्य बलपूर्वक हरण करिनियन्ति। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः
बसेहि जस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तेणु साधकंक पक्षरे एहा आवश्यक जे तांकु सकल इंद्रिय बस करी समाहित चित्त होई मोर परायण होई ध्यानरे बसिबाकु पड़िब। कारण जेऊं पुरुषंक इंद्रिय माने बसीभूत होइथांती तांकर बुद्धि स्थिर होइथाए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सोपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषय चिंतन करुथिबा पुरुषर सही विषय मानंकरे आसक्ति हो जाए। आसक्तिरु सही विषय मानंक प्रति कामना उत्पन्न हुए एवं कामनारे बाधा उपजिले क्रोध क्रोधरु अत्यंत मूढ़ भावरु स्मृति भ्रम हो जाए। स्मृति विभ्रम हेबारु बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति नाश हो जाए एवं बुद्धि नाश हेबारु सही पुरुष निजर स्थितिरु खसी पड़े। राग द्वेष विजुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। किंतु अंतःकरण को निजर अधीन करिथिबा साधक निज बसरे रखिथिबा राग द्वेष रहित इंद्रिय मानंक द्वारा विषय मानंकरे विचरण करुथाइ मध्य अंतकरणर प्रसन्नता लाभ करंती। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्ज्यवतिष्ठते। अंतकरणर प्रसन्नता आसिबा फळरे तांकर समस्त दुःख विनाश होइजाए एवं सही प्रसन्न चित्त कर्म योगींकर बुद्धि शीघ्र ही सकल दिगरु अपसरी आसी एक परमात्मांक ठारे भल भावरे स्थिर होइजाए। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चाजुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरसन्तस्य कुतः सुखम्। मन ओ इंद्रिय मानंकु जय करि नथिबा मनुष्यर निश्चय आत्मिका बुद्धि हुए नाही एवं सेपरि अजुक्त मनुष्यर अंतःकरण रे आसक्ति भावना भी आसे नाही। आसक्ति भावनाहीन मनुष्य को शांति मिले नाही। शांति रहित मनुष्य को सुख बा केउठु मिलिब। इंद्रियाणा हि चरतां जन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनावमिवांभसी। कारण वायु जेपरी जलरे चालुथिबा नौका को हरण करिनिए विषयरे विचरण करुथिबा इंद्रिय मानंक मध्यरु जेउ इंद्रियटी सहित मन रहिथाए सेहि गोटिक इंद्रिय भी सेहिपरि उक्त अजुक्त मनुष्यर बुद्धि को हरण करिनिए। तस्माज्जस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तेणु हे महाबाहो जेउ पुरुषंक इंद्रिय माने इंद्रिय मानंकर विषय मानंक ठारु सकल प्रकारे निगृहित होई जाइथांती तांकर बुद्धि स्थिर अटे। जानिसा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संजमी जस्यां जागृति भूतानि सानि सा पश्यतो मुने। जेउ परमानंद प्राप्ति सकल प्राणी निमंते रात्रि समान
ସେହି ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଯୋଗୀ ଜାଗ୍ରତ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ନାଶବାନ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଲାଭରେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଜାଗ୍ରତ ରହନ୍ତି ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବା ମୁନିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ରାତ୍ରି ସମାନ ଆପୂଜ୍ୟମାଣମଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠଂ ସମୁଦ୍ରମାପଃ ପ୍ରବିଶ୍ୟନ୍ତି ଯଦ୍ବତ୍ ତଦ୍ବତ୍ କାମାଜଂ ପ୍ରବିଶ୍ୟନ୍ତି ସର୍ବେ ସ ଶାନ୍ତିମାପ୍ନୋତି ନ କାମକାମୀ ନାନା ନଦୀର ଜଳ ଯେପରି ସକଳ ଦିଗରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଚଳିତ ନ କରି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସକଳ ଭୋଗ ସେହିପରି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାର ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେହି ପୁରୁଷ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଭୋଗ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ତାହା ପାଏ ନାହିଁ ବିହାୟ କାମାଞ୍ଜ ସର୍ବାନ୍ ପୁମାଂଶ୍ଚରତି ନିସ୍ପୃହ ନିର୍ମମୋ ନିରହଂକାର ସ ଶାନ୍ତିମଧିଗଚ୍ଛତି ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରି ମମତ୍ୱରହିତ ଅହଂକାର ରହିତ ଏବଂ ସ୍ପୃହାରହିତ ହୋଇ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ସେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଏଷା ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ପାର୍ଥ ନୈନାଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ବିମୋହ୍ୟତି ସ୍ଥିତ୍ୱା ଶ୍ୟାମନ୍ତ କାଳେପି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ମୃଚ୍ଛତି ହେ ଅର୍ଜୁନ ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯୋଗୀ କେବେ ହେଲେ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ତକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଓଂ ତଶ୍ଚଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗୋ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।